अंतरनेशनल हाईवे 27 पर दाएं मुख्य नहर के पास से विपरीत दिशा से आ रही बाइक को ट्रोले ने टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार पप्पू सहरिया, विशाल सहरिया और बालकिशन गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को बारा रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद ट्रोला चालक फरार हो गया। बता दें कि नेशनल हाईवे 27 पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे हाईवे को वन वे कर रखा है। ऐसे में 12 की ओर से तेज गति से आने वाले वाहन संकेत बोर्ड के छोटे होने के कारण अपनी दिशा में नहीं जाकर रॉन्ग साइड में चले आते हैं, जिसके चलते वाहनों में आमने सामने की भिड़ंत हो जाती है। दाएं मुख्य नहर के पास एक माह के अंतराल में इसी तरह की 3 घटनाएं हो चुकी है, जिसमें एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। परंतु इस समस्या को प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है और इसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल वाले जा रहे थे, ट्रोला से आपस में भिड़ गए। भिड़ते ही उनके लग गई, लगने के बाद ट्रोला वाला तो भाग की गाड़ी छोड़ के भाग गया। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये 12 की तरफ से मोटरसाइकिल आ रही थी और कोटा की तरफ से ट्रोला आ रहा था।